संविधान है उसके हिसाब से सबको इक्वल राइट है एजुकेशन का। इसका मतलब इक्वल राइट का मतलब है कि क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन है, चाहे वो रिच का चिल्ड्रन हो चाहे पुअर का चिल्ड्रन हो, और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि इस देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कि हमारे जो मास के बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दूसरा ये कि उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज देश की 70% जो पॉपुलेशन है वो उसकी जो इनकम है महीने की फैमिली की वो 6000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ऐसे बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल की फीस देंगे या गवर्नमेंट स्कूल के इंस्टीट्यूशन की फीस देंगे, तो इसमें होना क्या चाहिए एक्चुअली में? अगर हम सचमुच इस देश के सारे बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं और सबको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो एक ही उसका तरीका है कि जितना भी एजुकेशन है सारे एट ऑल लेवल्स एंड टू ऑल चिल्ड्रन फ्री और क्वालिटी होना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगी ये समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसलिए जो जेएनयू का डिमांड है इसको अबॉलिश करो, हम उसके साथ हैं पूरी तरीके से। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो है वो एक आंदोलन, मुझे लग रहा है कि ये एक आंदोलन के रूप में निकल रहा है और पहली बार हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर राइट टू एजुकेशन को लेकर पहली बार पूरे देश के अंदर जो है प्रोवोकेशन है, लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लोग इस पर डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है आजादी की एक दूसरी लड़ाई है राइट टू एजुकेशन, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर देश में जितने भी पीड़ित लोग हैं, देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे और पेरेंट्स जो हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है इगिटेरियन सोसाइटी का वो लगता है कि हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।